दोस्तों भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने के लिए लौटा सूर्य कुमार यादव का भी बाप, जबकि इस खिलाड़ी ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश कर डाली और गेंदबाजों को पागल कर दिया और मैच इतनी गेंदों में ठोक दिया, सबसे तेज दोहरा शतक। और अब इस बल्लेबाज से ऑस्ट्रेलिया की टीम भी थर थर कांपने लगी है। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं इस भयंकर बल्लेबाज के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम पहुंच चुकी है, जो कि 19 नवंबर वाले दिन है यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मगर दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहेगी और इसको देखते हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव से भी भयंकर खिलाड़ी की वापसी करा दी है। गाइस आपको बता दें यानी विजय हजारे ट्रॉफी का एक मुकाबला खेला गया पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में, जिसमें पंजाब की ओर से खेलते हुए प्रभ सिमरन सिंह ने सभी गेंदबाजों की हालत खराब कर दी और मैच 202 गेंदों में 278 रन की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया, जिसमें 28 चौके और 6 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे। अगर दोस्तों प्रभ सिमरन सिंह का ऐसा ही बल्ला चलता रहा तो आने वाले समय में सूर्य कुमार यादव को भी पीछे छोड़ देंगे। अपनी चुकौड़ों में बताना, क्या प्रभ सिमरन सिंह सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ पाएंगे या फिर नहीं।